नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों को पेस्ट्री बना रेड वेलवेट पेस्ट्री बना रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मेरा रेड वेलवेट फर्स्ट टाइम है स्क्रैच से, पहली बार बना रही हूँ और देख रही हूँ कैसा बन रहा है। बाकी मैं प्रीमिक्स से बनाई हूँ, टेस्ट तो अच्छा आता है, पूरी कोशिश करूँगी। इसमें नया क्या है, नया इसमें यह है कि मैं नारियल के दूध से बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी टेस्ट कैसा है और कैसा लग रहा है। इस तरीके से कुछ नया यूनिक अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। बेकिंग पाउडर डालेंगे, इसको अच्छे से छान लेंगे। बेकिंग सोडा, इसको साइड में रख दूंगी। आधा कप चीनी पाउडर, तेल, इसमें ये भी डालूंगी, नारियल का दूध है निकाल के रखी थी। और अभी मैं इसको अच्छे से थोड़ा फेंट लेती हूँ, फिर इसको डालूंगी। और जो काला सा दिख रहा है वो लौंग है, क्योंकि चीनी में चीनी वगैरह नहीं लगे इसलिए थोड़े से लौंग के टुकड़े डालती हूँ। बटर मिल्क की जगह तो मैं नारियल का दूध डाल रही हूँ, डाल सकते हैं। मैं तो भी सीख रही थी आप लोगों से। मैं सोचा आप लोग को दिखा दूँ, देखिए लौंग है। और यहाँ पे मैं बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर ली हूँ, आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना ओवन में तैयार कर चुकी हूँ, पहले से हीट हो चुका है। और अब यहाँ पे मेरे दालचीनी डाल दी है और अच्छे से चीनी लेती हूँ। अब डालूंगी ये ड्राई पाउडर, थोड़ा थोड़ा डाल के चलाते रहूँगी। बस इसमें गुठली नहीं आ पाए उतना कोशिश करना है मुझे। अब डालूंगी इसमें थोड़ा सा रेड जेल कलर और उसके बाद विनेगर। और यहाँ पे बिल्कुल मार्केट जैसा फर्स्ट क्लास का मैं रेड जेल कलर डालने से अच्छा सा कलर कलर आया है। कोको पाउडर है जो मैं बिल्कुल लाइट लाइट कलर का होता है, वही डालने डाल इसको अच्छे से फेंट लूँगी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा विनेगर, जल्दी से इसे डाल के बिल्कुल फर्स्ट क्लास कलर तो बहुत प्यारा आया है। थोड़ा सा मुझे और कलर रेड वाला डालना चाहिए था, लेकिन ये रेड की जगह पे हल्का पिंक कलर में आया हुआ है। कोई नहीं, पहली बार बना रही हूँ, सीख रही हूँ, गलतियाँ होंगी तभी तो समझेंगे ना, तभी तो सीखेंगे। और प्रैक्टिकली कुछ गलत होता है ना तो हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं, इतना किसी के बताने और समझने से ज़्यादा जब खुद से गलती करते हैं तो ज्यादा समझ लेते हैं, ज्यादा सीख लेते हैं। हो चुका है ये देखिए, और अब इसे अच्छे से ढक दूंगी। इसको इस तरीके से अच्छे से ढक दी हूँ, आप देख लीजिए। और वजन में इसी को रखी हूँ ताकि जो कवर है अच्छे से हो जाए और कहीं से हवा वगैरह नहीं निकले। चलिए फिर मिलते हैं बनने के बाद, आधे घंटे बाद।
उनका 5 मिनट हो गए।